Hello everyone. Okay, now how's it going? It's going very well. Okay, and tell me about your study. Okay, and how are you today? You all are pretty well. Hope you all are pretty well. So now, today ma'am is going to start Hindi reading. And आज हम कौन सा पेज रीडिंग करेंगे? Tell me. मैम ने आपको 41 तक पेजेस रीडिंग करा दिए, आज हम करेंगे पेज नंबर 42 की रीडिंग. ओके, तो मैम इसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क भी सेंड करने वाली है, आपको करना क्या है. ओके, अब आप यहाँ देखिए, ऊपर लिखा है देखिए और पढ़िए. आप इन पिक्चर्स को भी अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. ये देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ है ना, तो ये सारा पैराग्राफ मैम अकेले रीड करेंगी? नो मैम, इसमें से हाफ पेज की रीडिंग अभी कराएंगी, हाफ लाइंस अभी लर्न आपको रीड कराएंगी, और बाकी लाइंस आपको घर पे रीडिंग करनी है, वो मैम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगी. ओके, तो चलिए अब आप मैम के साथ रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए. जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, शब्द यात्रा एंड पेज नंबर 42. आज हम 42 की रीडिंग करने वाले हैं ना, तो चलिए स्टार्ट कीजिए. अनवर, ओ मैम तो भूल ही गई हैं, यहाँ पर मैम को क्या लिखना है? रीडिंग एंड डेट. ओके, देखिए बेटा, अनवर उठ. मैम ने आपको बोला था ना, ब्रेक करने की साउंड नहीं आनी चाहिए, जब आप बोलेंगे उसका साउंड आना चाहिए. लाइक अनवर उठ. ओके, सो अनवर उठ, करवट मत बदल. उठ कर कसरत कर. कसरत इट मीन्स एक्सरसाइज. एस ही इज डूइंग एक्सरसाइज ना, लुक हियर, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना. सो नेक्स्ट इज उबटन मलकर. शरबत चक. शरबत इट मीन्स जूस. लुक हियर, दिस इज जूस, शरबत. सो नाउ नेक्स्ट इज कटहल. झटपट इधर रख. कटहल, वेयर इज कटहल? कटहल इज हेयर, जैक फ्रूट इज हेयर ना. कटहल झटपट इधर रख. भगवत भजकर. जन्म सफल कर. नहर पर चल कर. कलश भर. कहाँ पर है नहर? नहर कहाँ गई? नहर यहाँ पर है. नहर, नहर पर ये बॉय क्या कर रहा है? कलश भर रहा है. इसकी मम्मा इसको कलश भरने के लिए बोल रही है ना. कलश इट मीन्स पॉट. तो ये क्या कर रहा है नहर में? कलश भर रहा है. झटपट, झटपट मतलब जल्दी से. झटपट कलश भर कर रख. हरकत मत कर. नटखट मत बन. नटखट इट मीन्स नॉटी. सो नटखट मत बन. बड़बड़ मत कर. यहाँ तक मैम ने आपको रीडिंग करा दी है, अब आपको होमवर्क में क्या करना है आप ये देखिए. होमवर्क में आपको यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है. ओके, और यहाँ पर फिनिश करनी है. यहाँ पर आपको ये सेल्फ करनी है रीडिंग, लेकिन आप अपनी मम्मा की भी हेल्प ले सकते हो. ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया. आपको घर पर इस पैराग्राफ में यहाँ इस लाइन से नीचे की लाइन तक आपको रीडिंग करनी है, और इस लाइन्स की आपको रीडिंग करते हुए एक वीडियो बनानी है, और उसको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है स्कूल फ़ोन पर. तो मैम को तभी पता चलेगा कि दिस इज़ योर होमवर्क, एंड आई थिंक कि आपने उस होमवर्क को किया है या नहीं किया. वो कैसे पता चलेगा? ताकि आप वीडियो सेंड करोगे ना, तो उसे देख के मैम को पता चलेगा कि आपने मैम को फॉलो किया है या नहीं किया है, या आपने होमवर्क किया है या नहीं कंप्लीट किया है.
तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसको रीड करना है और इसकी वीडियो बनाकर मैम को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, तो अब आपका ये होमवर्क हो गया है, आपको बता दिया मैम ने, आप स्टार्टिंग से भी रीडिंग कर सकते हो, लेकिन मेन जो है आपकी बचकर घर चल, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है, मत रख तक, और यहीं की आपको वीडियो बनानी है। आप रीडिंग करते हुए अपनी मम्मा की भी हेल्प ले सकते हो, और जिस वर्ड शब्द को बोलने में आपको प्रॉब्लम हो उसको नीचे छोटा सा क्रॉस करना है और नेक्स्ट टाइम पर फिर उसी शब्द को बार बार रिपीट करना है। ओके, तो अब मैम जा रही हैं, लेकिन मैम वापस आएंगी नए टॉपिक के साथ, तब तक आई एम श्योर आप सब अपना वर्क कंप्लीट कर लोगे और वीडियो मुझे ज़रूर सेंड करनी है। अगर आप वीडियो सेंड नहीं करोगे ना तो मैम को पता नहीं चलेगा कि आपने होमवर्क किया है या नहीं करा है, या आप झूठ बोल रहे हो। वैसे आप झूठ नहीं बोलते हो ना, तो आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके, और मैम को व्हाट्सएप पे वीडियो ज़रूर सेंड करनी है, तो जो सबसे पहले सेंड करेगा या जिसकी सबसे अच्छी वीडियो होगी मैम उसको एक्सीलेंट भी देंगी ना। ओके, सो नाउ टेक केयर, गुड बाय।